हाय, मैं हूँ आनंद सौरभ। मैं आपको एक बहुत इमोशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक फकीर था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे। मैंने कई बार देखा उस फकीर को आवाज़ देकर माथा झुकाकर वह पैसा मांगता था। एक बार मैंने उस फकीर से पूछा, पैसे तो मांग लेते हो, रोटी कैसे खाते हो? उसने बताया, जब शाम उतर आती है तो उस नानी भाई को पुकारता हूँ, ओ जुमा, ओके पैसे ले जा, रोटियाँ दे जा। वो भीग के पैसे उठा ले जाता है, रोटियाँ दे जाता है। मैंने पूछा, खाते कैसे हो बिना हाथों के? वो बोला, खुद तो खा नहीं सकता, आने जाने वाले लोगों को आवाज़ देता हूँ, ओ जाने वाले, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे हैं, मेरे ऊपर दया करो, रोटियां खिला दो मुझे, मेरे हाथ ही नहीं है। हर कोई तो सुनता नहीं, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता। वो प्रभु का प्यारा मेरे पास आ बैठता और रोटी तोड़कर मेरे मुंह में डाल देता। मैं खा लेता, सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने पूछा, पानी कैसे पीते हैं? उसने बताया, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ तो प्याला भर आता है, तब पशुओं की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, यहाँ मच्छर भी बहुत हैं, यदि मच्छर लड़ जाते तो क्या करते हो आप? वह बोला, शरीर को जमीन पर रगड़ता हूँ, शरीर को जमीन पर रगड़ता हूँ, पानी से निकली मछली की तरह लेटता और तड़पता हूँ। हाय, केवल दोनों हाथ ना होने पर कितनी दुर्गति है। अरे इस शरीर की निंदा मत करो, यह तो अनमोल रत्न है। शरीर का हर एक अंग इतनी कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना है उसका मोल नहीं चुका सकता। परंतु यह भी तो सोच कि यह शरीर किस लिए है? इसका हर अंग उपयोगी है, इनका उपयोग करो। स्मरण रहे कि ये आंखें पापों को ढूंढने के लिए नहीं मिली है, कान निंदा सुनने के लिए नहीं मिली है, हाथ दूसरे का गला दबाने के लिए नहीं मिली है, यह मन भी अहंकार में डूबने या मोह माया में फंसने के लिए नहीं मिली है। ये आंखें सच्चे परमेश्वर की खोज के लिए मिली है, जो हमें परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ये हाथ प्राणी मात्र को सेवा करने के लिए मिले हैं, ये पैर उस रास्ते पर चलने को मिले हैं जो परम पद पाने का मार्ग बताया जाता है, ये जीवा कान्हा का गुणगान करने के लिए मिली है, ये मन उस कान्हा में लगा लो मेरे मित्र। जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मान लो मेरी बात, हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, हमारी बात तो आपको याद रहेगी। जय श्री राधे।